Hello students, today I am going to continue with the third chapter, that is force and pressure, right? अभी इस force and pressure में हम लोग क्या करते हैं कि खाली concept जो है study करते हैं. जैसे पहला है, stationary object on which no force is acting remains stationary. An object in motion continue to move with the same speed and direction while no force is acting on the object. दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी जगह पे रखा हुआ है, जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो उसी पोजिशन पे रहेगा. या कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में जा रहा है कंटिन्यू, तो उसी स्पीड में जाएगा और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा. दिस इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. समझ में आया? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेशनरी ओनली. Object in motion continue to move with the same speed and direction when no force is acting on object. This is called Newton's first law of motion. Next is, समझ गया, ये आपको memorize करना है. Stationary object with no force acting remains stationary. कोई भी object अगर जैसा रखा हो वैसे ही रहता है जब तक उसके ऊपर force apply नहीं हुआ है. And object in motion continue to move with the same speed. कोई object अगर motion में movement में है उसका speed same रहेगा हाँ जब तक उसके ऊपर force apply नहीं होगा. This is न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये मोशन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का रूल है. नेक्स्ट इज, फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और वाया वन और मोर ऑब्जेक्ट. सच फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब जो फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट फोर्स बोलते हैं. जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे बॉल को किक करना, बॉल को फेंकना. इसमें हम लोग बॉल को टच करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं. तो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद अगर फोर्स लगता है तो उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स. इज दिस क्लियर? ए फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट वाया वन और मोर ऑब्जेक्ट. सच फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. अब दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मीन्स फोर्स अगर अप्लाइड होता है दो ऑब्जेक्ट में, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, उसको को क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट ऑब्जेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट जो है मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, दोनों में कांटेक्ट नहीं होता फिर भी अट्रैक्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स. ठीक है, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है बिना कॉन्टैक्ट के, उसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इज दिस क्लियर? तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नो कॉन्टैक्ट फोर्स समझा. कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होता है तो उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे बॉल को किक करना, हाँ बॉल को थ्रो करना. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ऐसा फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो आपको डेफिनेशन कैसे याद करना है? फोर्स इज सीन टू एक्ट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और वाया वन और मोर ऑब्जेक्ट. सच इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इवन इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ मसल्स. मस्कुलर फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है, हमारा मसल्स यूज होता है. ठीक है, किसी भी चीज़ को पकड़ना, उठाना, फेंकना, खींचना, वो मस्कुलर फोर्स में आता है. तो मस्कुलर फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आवर मसल्स. तो मस्कुलर फोर्स ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें क्या होता है, मसल्स यूज होता है. नेक्स्ट इज Now we have to learn about the balance and unbalanced force. Balance force when two or more force acting on object are equal in direction. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा force object में act करता है equal direction में, that is called balance force. जैसे अभी यहाँ पे तीन person यहाँ पे भी है, तीन person यहाँ पे भी, दोनों जगह same force लग रहा है, that is called balance force. When two or more force acting on an object are equal in direction is called balance force. Unbalanced force when two or more unequal forces act on object. When two or more unequal forces act on object, that is called unbalanced force. जैसे यहाँ पे फोर तीन पर्सन लोग हैं लेकिन हैवी लोग हैं, यहाँ पे तीन पर्सन लोग हैं कमजोर लोग हैं, तो यहाँ पे 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको बोलेंगे imbalanced force. यहाँ पे दोनों साइड 300 न्यूटन था, बराबर. तो दोनों का मीनिंग है when two or more force acting on object are equal in direction, that is called balanced force. When two or more unequal forces act on object, that is called unbalanced force. Next is इनर्टिया का मतलब, द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्टिया. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने उसी पोजीशन पे रहता है जिस पोजीशन में उसको छोड़ा गया है, उसको इनर्टिया बोलते हैं. जैसे कोई कप मैंने उस जगह पे रखा है तो कभी भी हिलेगा नहीं, जब तक उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा तब तक उधर ही रहेगा, उसको बोलते हैं इनर्टिया. द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्टिया.
राइट. दिस इज वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन इन द सेम स्टेट एंड ऑब्जेक्ट मोशन रिमेन इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट भी कोई भी अपना पोजिशन चेंज नहीं करता जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगता नहीं है. तो टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड इनर्टिया. इज दिस क्लियर? एन स्टूडेंट यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यू हैव टू एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स. पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. देन क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड इनर्टिया. मैंने वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वीडियोज़ देख के आपको ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं. एक्सप्लेन अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ढूंढना है. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड इनर्टिया. ओके, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी आंसर प्लीज़ आस्क. इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज़ आस्क. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.